So now that we have learned why grain direction is critical, let's go back to the correct grain for folding cartons. So very simple, grain is perpendicular to the crease. Carton ke andar char crease hote hain. Ek, do, teen, char, correct? Grain should be perpendicular. This is wrong. This is correct. Clear? Very simple. Iske andar zyada soch vichar nahi hai. This is the right grain, this is the wrong grain. Kyun? Main aapko bataunga. But aapko concept clear karna hai ki grain direction for the carton has to be perpendicular to the creases of the carton. Ab mere paas yahan jo hai sahi aur galat dono carton hai. Aap usko jo hai form kariye. Right? और फिर आप उसको ऐसा बेंड करके देखिए, आप देखेंगे कि जो करेक्ट ग्रेन डायरेक्शन है, जो ये वाला है, उसमें रिजिडिटी और स्ट्रेंथ रहेगा कार्टन में, और जो गलत ग्रेन डायरेक्शन है, जो ये है, उसमें आपको कार्टन बहुत वीक लगेगा फॉर्मेशन के बाद में. आल्सो आपने देखा कि ये सारा बेंडिंग का जो काम है वो मशीन कर रहा है, तो मशीन को असिस्ट करने के लिए ये ग्रेन डायरेक्शन करेक्ट है. कार्टन खुलने के लिए ये ग्रेन डायरेक्शन करेक्ट है. करेक्ट. अब जो है ये आप उसको बेंड करके देखिए, या तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है. जो ऑरेंज वाला है वो गलत है और जो ब्लैक वाला है वो सही है. Now let us understand कि ये क्यों मैंने कहा कि grain ऐसा होना चाहिए. Again going back to that bending वाला principle. अगर मेरे grain ऐसा है और मैं इसको bend करता हूँ तो ये resist करेगा bending and therefore the strength of the wall will be much higher. Carton का strength रहेगा. और अगर grain ऐसा रहेगा तो वो resist नहीं करेगा, बहुत आराम से bend हो जाएगा और carton खुलने में भी तकलीफ होगा. आप जब फॉर्मेशन भी करोगे रॉन्ग ग्रेन के कार्टन को तो आप देखेंगे फॉर्मेशन करने में भी आपको तकलीफ आती है. क्लियर ऑन द कार्टन फ्रंट? शैल वी मूव अहेड? सही है, आगे बढ़े. क्या बोलिए? ऑन द बैक सेक्शन स्लाइड इन दिस यू आर सेइंग ग्रेन डायरेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द क्रीजेस. करेक्ट. तो डजेंट इट मेक्स सम इशू टू ओपन दैट कार्टन? कार्टन खुलने में कोई इशू नहीं होता है? बिकॉज़ नहीं, उल्टा अगर ग्रेन आपका ऐसा होगा तो जब आपका सकर, आपने देखा कि वो सकर सक कर रहा है कार्टन को, तो बहुत आसानी से खुल जाएगा कार्टन. आप अगर दोनों सैंपल हाथ में लेंगे आप देखेंगे जो ग्रेन ऐसा वाला कार्टन है वो बहुत तकलीफ दे रहा है खुलने के लिए, और जो ऐसा कार्टन है दिस ऑफरिंग रेजिस्टेंस, वो टक करके खुल जाएगा. Okay. अब जो है the only reason why we want the grain direction to be against the creases or perpendicular to the creases is we want more strength for the carton. Correct? And the opening of the carton should be easy. So आपने बोला कि ये grain direction होना चाहिए. Correct. तो ये इस तरह की मुझे समझ में आ गया, जब paper ऐसा होता है तो आपको fold करने में इसी तरह strength अच्छा आता है. हाँ सही बात है, मगर विच इज द वॉल्स विच आर एडिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्टन. आपकी बात सही है कि अगर आपका ग्रेन ऐसा है तो ये चार क्रीजेस का तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाला क्रीज का प्रॉब्लम है. वो फॉर्म होगा ही, वो फॉर्म होगा, बट आपका ये वॉल का स्ट्रेंथ रहेगा जो मेन वॉल्स है कार्टन की. ये मेन वॉल नहीं है कार्टन का, ये मेन वॉल है, इसके ऊपर खड़ा हो रहा है कार्टन. अच्छा, अब जो है बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम ये कार्टन को पहले खोल लेते हैं. आई डोंट नो वेदर दिस इज विजिबल. इज इट विजिबल? ओके. तो आप देखिए कि मेरा कार्टन का ग्रेन डायरेक्शन ऐसा है, करेक्ट?
पेपर का साइज है 16.5 by 14.5। ग्रेन किस में होगा? अभी ये 400 GSM बोर्ड है, करेक्ट। प्रिंटिंग के हिसाब से क्या ग्रेन होना मांगता है? प्रिंटिंग के हिसाब से ग्रेन ऐसा होना मांगता है कि ऐसा होना मांगता है? सिर्फ प्रिंटिंग के हिसाब से, जो फर्स्ट हमने स्लाइड देखा, प्रिंटिंग के हिसाब से ग्रेन ऐसा होना मांगता है और कार्टन के हिसाब से ग्रेन ऐसा होना मांगता है। तो प्रिंटर आपको बोलेगा कि भाई मेरे को मशीन फुल स्पीड पे नहीं चलता है, बहुत आवाज देता है इस किस्म का लेआउट में, बट आप या आपके परचेस वाले या जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बोलेंगे नहीं भाई हमें तो ग्रेन ऐसा ही चाहिए, बिकॉज हमारा एंड प्रोडक्ट डिमांड्स दैट ग्रेन। सो देयरफॉर यू हैव टू ऑलवेज गो बैक टू द एंड प्रोडक्ट, कि आपका एंड प्रोडक्ट में क्या ग्रेन का डायरेक्शन है। बट इसके अंदर भी एक तरकीब है। अब से फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर कार्टन मेरा 2,000,000 क्वांटिटी है और 400 GSM बोर्ड है, और मुझे जो है अगर मशीन 2000 स्पीड भी ज़्यादा भागेगी तो मुझे फायदा होगा, तो मैं कार्टन का लेआउट बदली कर सकता हूँ। सेम कार्टन है और अगर मैंने कार्टन का लेआउट बदली कर दिया तो मेरा ग्रेन जो है लॉन्ग साइड पे चले गया, पैरेलल टू द ग्रिपर्स चले गया, कार्टन के लिए भी गुड, प्रिंटिंग के लिए भी गुड। क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट? ये जो लेआउट है इसमें प्रिंटिंग के लिए भी अच्छा है और कार्टन के लिए भी अच्छा है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। बट इसमें हो सकता है आपका पेपर ज़्यादा जा रहा हो, 11.5 by 21.5 में बैठ रहा है और ये केस में 16.5 by 14.5 में बैठ रहा है। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा वेस्टेज करना है और ऐसा लेआउट करना है या ऐसा लेआउट रखना है। ये लेआउट में आपका कार्टन का ग्रेन डायरेक्शन फुलफिल हो जाएगा, आपका प्रिंटिंग का ग्रेन डायरेक्शन फुलफिल नहीं होगा। ये लेआउट में आपका कार्टन का डायरेक्शन और प्रिंटिंग का डायरेक्शन दोनों लेआउट फुलफिल हो जाते हैं। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर विद एवरीबडी? देखिए ये जो है कार्टन्स, ये ऐसे लेड आउट, करेक्ट, दिस इज द शीट साइज, राइट। सो वी नीड द इन द शीट फॉर ओनली प्रिंटिंग, हमें ये चाहिए कि ग्रेन शुड बी पैरेलल टू द ग्रिपर्स, राइट। तो ग्रेन ऐसा होना चाहिए, करेक्ट। और ये कार्टन, अगर इंडिविजुअल आप कार्टन देखोगे तो भी उसका ग्रेन ऐसा होना चाहिए। तो ये कार्ट, ये जो अभी लेआउट बना हुआ है इसमें कार्टन के लिए भी अच्छा है और प्रिंटिंग के लिए भी अच्छा है। और अगर ये लेआउट आप देखोगे तो यहाँ जो है आपको कार्टन के लिए ऐसा ग्रेन चाहिए मगर प्रिंटिंग के लिए आपको ऐसा ग्रेन चाहिए, सही है। तो ये प्रिंटिंग के हिसाब से गलत है मगर कार्टन के हिसाब से सही है। सो यू कैन वेरी वेल डू दिस ऑल्सो, बट द परफेक्ट वे वुड बी टू डू दिस। यू हैव टू टेक अ कॉल कि आपका वेस्टेज करना है कि नहीं करना है। अगर आपकी डाई बन गई है ऑलरेडी ये साइज में, आपको डाई बदली करना है कि नहीं। प्लानिंग के स्टेज में ऐसा प्लान करना है, ऐसा प्लान करना है। अगर मेरा 280 GSM का बोर्ड है तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर 450 GSM का बोर्ड है और मुझे हाई स्पीड में चलाना है तो ऐसा ग्रेन डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट? अब जो है लीफलेट के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे थे कि वो मशीन के ऊपर लीफलेट भी चल रही है, कार्टन के साथ में पैक हो रहा है। तो जो फार्मास्यूटिकल लीफलेट्स है उसके अंदर भी ग्रेन डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं दो किस्म के लीफलेट लाया हूँ, ये नॉर्मल इंसर्ट है और ये आउटसर्ट है, बट द रूल रिमेन्स द सेम। रूल ये है कि परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट फोल्ड, हाउएवर कॉम्प्लेक्स द फिनिश्ड पीस इज। तो हम पहले ये सिंपल इंसर्ट के बारे में देखेंगे। मैं ये इंसर्ट को खोल रहा हूँ, हमें याद रखना है कि फर्स्ट फोल्ड कौन सा है। ये मेरा फर्स्ट फोल्ड है, करेक्ट। फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर दूसरे मशीन में जाएगा, फिर ऐसा फोल्ड होगा, फिर ऐसा फोल्ड होगा, और ऐसा फोल्ड होगा, ठीक है। बट हमें देखना है फर्स्ट फोल्ड कौन सा है। क्या लिखा है उन्होंने? परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट फोल्ड, हाउएवर कॉम्प्लेक्स द फिनिश्ड पीस इज। कितना भी आपको फोल्ड करना है ग्रेन डायरेक्शन यही रहेगा। आपका फर्स्ट फोल्ड ये था, परपेंडिकुलर मतलब अगेंस्ट ऑपोजिट, तो ये आपका ग्रेन डायरेक्शन हो गया, क्लियर। अब उसका कोई रीजन बता सकता है?
फर्स्ट आप ये कॉम्प्लेक्स पीस देख लीजिए, उसके बाद में वो रीजन समझेंगे क्यों था. नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंसर्ट जिसको आउटसर्ट कहते हैं. इसमें बहुत सारे और भी फोल्ड्स हैं. बहुत सारे फोल्ड है इसमें और ये पहला फोल्ड है. करेक्ट, पहला फोल्ड ये है. तो आपका ग्रेन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फर्स्ट फोल्ड. ये मेरा पहला फोल्ड है, उसके अगेंस्ट चलना है. सही है, ये रूल है. अब ये क्यों है कोई बता सकता है? ये पहला फोल्ड है. पेपर बेंड्स अलोंग द ग्रेन, रिजिस्ट अगेंस्ट द ग्रेन. अगर मेरा ग्रेन ऐसा होता तो पेपर बहुत अच्छे से बेंड होता. तो मेरा दिमाग तो ये कह रहा है कि ग्रेन ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमें फोल्ड ऐसा करना है. बट प्लीज़ रिमेंबर कि हमें ये सिंपल एक ही पेपर है जिसको मेरे को फोल्ड करना है, तो ये तो कैसा भी फोल्ड हो जाएगा. लेट अस सी कि ये पीस को आगे कितना कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है. ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है और उसके बाद में ऐसा जा रहा है. अब जो फाइनल मेरा फोल्ड है वो ऐसा है. यहाँ सबसे मुश्किल है मुझे बेंड करना. सही है, तो अभी ये सिनेरियो में अगर मुझे ग्रेन डायरेक्शन चूज करना है तो क्या होना चाहिए? मेरा ग्रेन ऐसा कि ऐसा? ऐसा होना चाहिए बिकॉज द पेपर विल देन बेंड ईजिली. करेक्ट, सो दिस शुड बी द ग्रेन. नाउ लेट अस ओपन द पीस एंड सी वेदर इट मैचेस. क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर. गो बैक टू दैट फर्स्ट स्लाइड व्हिच आई शोड यू अबाउट बेंडिंग. पेपर बेंड्स वेल अलोंग द ग्रेन एंड रिजिस्ट अक्रॉस द ग्रेन. हर एक इंसर्ट या आउटसर्ट उठा के आप देख लीजिए, रूल सेम रहेगा, परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट फोल्ड. ठीक है, क्लियर, लेट्स मूव अहेड देन. अब जो है, मैंने आपको जितना भी आज सिखाया हूं इससे बढ़ के इसके ऊपर हमारा क्लाइंट बैठा है. तो अगर आपके क्लाइंट के पास कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज उसको फॉलो करिए, बिकॉज पैसा वो देगा आपको, मैं नहीं दूंगा. मैंने बोला कि ग्रेन ऐसा होना मांगता है, मगर आपका क्लाइंट बोलता है मेरे को ऐसा मांगता है. पैसा कौन दे रहा है? क्लाइंट दे रहा है. फॉलो हिम, ही मस्ट बी हैविंग अ रीजन फॉर इट. सो मोस्ट क्लाइंट्स विल ऑफर यू अ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग विच लुक्स लाइक दिस. और यहाँ क्लियरली मैंशनड है कि ग्रेन डायरेक्शन क्या होना चाहिए. यहाँ देखिए, आई डोंट नो आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, बट यहाँ लिखा है ग्रेन डायरेक्शन. करेक्ट, सो अगर क्लाइंट आपको ड्राइंग दे रहा है और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर ग्रेन उसको चाहिए, प्लीज फॉलो दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ आज आपने जितना भी सीखा है, बिकॉज देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर रीजन व्हाई ही वांट्स इट इन दैट पर्टिकुलर वे. क्लियर ऑन दैट. And why I'm telling you this is because when I moved to the perfect bound books, मेरा ये एक presentation देख के मेरे एक दोस्त ने theory के हिसाब से काम किया था और उसने client ने job reject कर दिया. और क्यों reject किया वो मैं बताऊँगा आपको जब मैं perfect bound book के बारे में बताऊँगा. तो अगर आपका client आपको कोई particular grain बता रहा है और drawing बता रहा है, आप उसको follow करना ज़रूरी है. ठीक है, wet glue labels. This is a label. और अगर ये label को जो है manually apply कर रहे हैं तो gum भी client लगा रहा है और application भी client कर रहा है. इसको wet glue labels कहते हैं. दूसरा pre-gummed labels आते हैं, जिधर आप pre-gummed paper पे छापते हो reel form में, वो reel ही client को जाता है और automatic apply होता है. Bottles चल रही है और automatically application हो रहा है. वो जो लेबल्स है जिसको प्रेशर सेंसिटिव लेबल्स कहते हैं, उसके अंदर कोई भी ग्रेन डायरेक्शन नहीं है. मैं सिर्फ वेट ग्लू लेबल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको क्लाइंट गम लगाता है और क्लाइंट अप्लाई करता है बॉटल के ऊपर. दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट. वेरी सिंपल ग्रेन डायरेक्शन का रूल ये है. अभी आप देखिए, ये सारे जो है वेट ग्लू लेबल्स के एग्जाम्पल्स है, शेप्स है. आपका जो ग्रेन डायरेक्शन है
दैट विल बी अलोंग द कर्व ऑफ द बॉटल. तो ये सिनेरियो के अंदर आपका ग्रेन डायरेक्शन ऐसा रहेगा. सही है, भले आपका शेप कैसा भी हो, ये नॉर्मल शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, अलोंग द कर्व ऑफ द बॉटल, सर्क्यूलर शेप अलोंग द कर्व ऑफ द बॉटल, ये एक बॉटल के नेक पे लगता है, अलोंग द नेक ऑफ द बॉटल. अब जितना भी मैंने आपको थ्योरी बताया हूं, ये तो उल्टा है उसका. अगर मुझे ऐसा कर्व करना है कार्टन अरे लेबल को, तो मेरा ग्रेन डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, बिकॉज वो आराम से बेंड होगा. बट मैं कह रहा हूं कि ग्रेन डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए. वो क्यों, कोई बता सकता है? इजी एप्लीकेशन. नाउ लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ, से फॉर एग्जांपल ये जो है आपका लेबल है, करेक्ट, हमें लेबल ऐसा लगाना है. अगर मेरा ग्रेन डायरेक्शन ऐसा हुआ, तो ये ग्रेन जो है, ये पेपर जैसा गम लगेगा पेपर को, वो पेपर कर्ल होना शुरू हो जाएगा, एंड इट विल कर्ल अलोंग द ग्रेन. अगर ग्रेन ऐसा है, पेपर ऐसा हो जाएगा, तो अप्लाई के समय चिपकेगा नहीं, वो ऐसा चिपकेगा. और अगर मेरा ग्रेन डायरेक्शन ऐसा है जो मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, विच इज़ लाइक दिस, देन वो कर्ल ऐसा होगा, वो बराबर लग जाएगा. समझ गया? वेट ग्लू लेबल में द ग्रेन डायरेक्शन हैज़ टू बी अलोंग द कर्व ऑफ द बॉटल. ठीक है, क्लियर? अब कमर्शियल वाले लोग बहुत टाइम से यॉन कर रहे हैं कि भाई ये सब कार्टन वार्टन का बहुत हो गया, हमारा क्या. सो लेट्स कम टू कमर्शियल प्रिंटिंग. परफेक्ट बाउंड, द गुड न्यूज इज दैट फॉर कमर्शियल प्रिंटिंग, आपका बुक भले परफेक्ट बाउंड हो, हार्ड केस हो, या सेंटर प्रिंट हो, रूल सबके लिए सेम है. हाँ, ग्रेन का रूल सबके लिए सेम है. और उसका रूल ये है कि आपका ग्रेन शुड बी पैरेलल टू द स्पाइन. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई. ओके, मुझे मेरे पास यहां दो बुक्स है, एक का ग्रेन डायरेक्शन ऐसा है और एक का ग्रेन डायरेक्शन ऐसा है. प्लीज नोट, कवर का भी ग्रेन डायरेक्शन ऐसा ही है और इनसाइड पेजेस का भी ग्रेन डायरेक्शन ऐसा ही है. इसके अंदर कवर का भी ग्रेन डायरेक्शन ऐसा है और इनसाइड पेजेस का भी ग्रेन डायरेक्शन ऐसा है. ठीक है, अब जब मैं बुक को ले फ्लैट करूँगा, मतलब जब खोलूँगा बुक को, तब आपको समझ में आएगा कि ग्रेन डायरेक्शन कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ये बुक जो है फ्लैट ले हो रही है और ये बुक जो है खड़ी हो रही है. यू सी, तो पढ़ने वाले के लिए ये बुक बहुत आसान रहती है. प्लस आपका जो स्पाइन है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है अगर आपका ग्रेन ऐसा है तो. सो फॉर परफेक्ट बाउंड बुक्स, फॉर हार्ड केस बुक्स और सेंटर पिन बुक्स, द रूल इज लाइक दिस, फॉर द कवर ऑल्सो एंड फॉर द इनसाइड पेजेस ऑल्सो. अभी आपको मैंने कह रहा था कि एक मेरा दोस्त था जो ये प्रिंसिपल फॉलो किया और उसका जॉब रिजेक्ट हो गया. क्यों हुआ रिजेक्ट, आप देखिए, ये बुक जो है मैं अगर ऐसा पकड़ा हूं तो इट इज बेंडिंग. ये बुक जो है बेंड नहीं होगी आसान. यू सी द ग्रेन इज लाइक दिस, इट बेंड्स अलोंग द ग्रेन इज लाइक दिस. ये ऑटोमेटिकली बुक पढ़े पढ़े, क्योंकि हमारा ये सेशन होने वाला था लास्ट में ना, आप देख रहे हो कैसा कर्ल हो गई, बट ये ऐसा बेंड नहीं हो रही आसान से. तो जब उसके क्लाइंट के पास ये बुक गई, मेरे दोस्त के क्लाइंट के पास, उसने देखा यार तुमने पेपर कुछ और वापरा है, लास्ट टाइम जैसा नहीं लग रहा है, ये बुक ऐसा बहुत लूज लग रही है, तो ये जॉब रिजेक्ट हो गया. उसने बोला नहीं नहीं मैं तो ग्रेन डायरेक्शन के हिसाब से जॉब छापा हूँ. तो क्लाइंट बोला नहीं देखो, ये जब बुक मैं पकड़ता हूँ तो बेंड नहीं होती, ये बुक बहुत जल्दी बेंड हो जाती है, मुझे ये नहीं पसंद. सो अगेन गो बैक टू व्हाट द क्लाइंट लाइक्स. द रूल सेज दिस, आपको क्लाइंट को जाके समझाना है कि अगर मैं ऐसा ग्रेन लूँगा तो मेरा स्पाइन का स्टिफनेस अच्छा रहेगा, आपका ले फ्लैट प्रॉपर्टीज अच्छे होंगे. मगर अगर क्लाइंट को वो सब मालूम ही नहीं है और उसको बस ऐसा है कि बेंड नहीं होना चाहिए बुक, क्लाइंट बोलेगा मैं पैसा ही नहीं दूंगा उसका, मुझे तो स्टिफ बुक चाहिए.
स्टिफ बुक अगर चाहिए तो ऐसा ग्रेन होना चाहिए विच इज रॉन्ग. आपका इवेंचुअली ये खोल बंद होने में स्पाइन क्रैक हो जाएगा और अंदर का बुक ब्लॉक बाहर निकल जाएगा. सो सिंपल रूल फॉर बुक्स, बट प्लीज मेक अ डमी एंड शो इट टू योर क्लाइंट्स. यू डोंट वॉन्ट योर जॉब्स टू गेट रिजेक्टेड. द रूल सेज दिस, द थियोरी सेज दिस, द बुक विल लास्ट लॉन्गर लाइक दिस, इट विल ले फ्लैट मच बेटर लाइक दिस, बट इवेंचुअली द क्लाइंट डज नॉट लाइक द फील ऑफ द बुक, he may reject your job. So please make a dummy and show it to the clients. हाँ, अगर लैंडस्केप होगी तो आपका रूल रिवर्स हो जाएगा. मगर मेरा मानना यह है कि बहुत बड़ा अगर लैंडस्केप हो, जैसा फॉर एग्जाम्पल आपका 11-17 का बुक है जिधर आपका स्पाइन 11 पे है, तो वो सिनेरियो में आपको फर्क पड़ेगा. आपको जो है उल्टा ग्रेन लेना चाहिए, दैट इज ऐसा लेना चाहिए. बट आप एक डमी बना के बना दीजिए कौन सा अच्छा लगता है. स्पाइन की स्ट्रेंथ तब भी ऐसी अच्छी होगी लैंडस्केप बुक में भी, मगर वो फीलिंग जो है, क्योंकि वो इतनी लंबी बुक है, इतनी लंबी बुक सडनली बेंड हो जाएगी तो वो फीलिंग में अच्छी नहीं लगेगी, बट स्पाइन स्ट्रेंथ ऐसा ही अच्छा रहेगा. ठीक है, अगर किसी को देखना है तो बेंड करके देख सकते हैं, एक करेक्ट है एक रॉन्ग है. हाउ वी डूइंग ऑन टाइम, है टाइम? ओके, सो पैरेलल टू द स्पाइन, सिंपल. ओके, नो आर्ग्यूमेंट ऑन दैट. परफेक्ट बाउंड, सॉफ्ट कवर, हार्ड कवर, सेंटर पिन, एवरी वन पैरेलल टू द स्पाइन. देयर विल बी लेस स्ट्रेन ऑन द स्पाइन. स्पाइन के ऊपर ज्यादा वजन नहीं आएगा और जब आप बुक खोलोगे तो एकदम फ्लैट खोलेगी बुक. चेक विद द क्लाइंट इफ इन डाउट. अगर आपको डाउट लगता है तो क्लाइंट को दिखा दो एक बार. ठीक है, अभी वॉल कैलेंडर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि हर एक पेपर जो है वो मॉइस्चर के साथ कॉन्टैक्ट आने में कर्ल होगा, बेंड होगा, करेक्ट? आज नहीं तो कल वो कर्ल होने ही वाला है. कितना भी अच्छा पेपर आप ले लो, अगर आप खराब क्वालिटी का पेपर लेते हो तो वो जल्दी कर्ल होगा. अगर बहुत अच्छा क्वालिटी का पेपर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वुड पल्प हो वो कम कर्ल होगा, मगर कोई ना कोई टाइम पे तो कर्ल होना ही होना है. और कैलेंडर ऐसी चीज़ है जो 12 महीने दीवार पे लटकती है, इसीलिए ग्रेन डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर. सो मेरे पास दो वॉल कैलेंडर इधर. ये गलत ग्रेन है और ये सही ग्रेन है, और मुझे जानना है कि क्यों ये गलत है और ये सही है. आप ये हैंग करते हैं तो अगर आपका डायरेक्शन ग्रेन डायरेक्शन लेफ्ट साइड वाला है तो आपका ये जो फोल्ड है वो ऐसे बंद हो जाएगा, कैलेंडर बंद होने लगेगा. करेक्ट. और अगर स्ट्रेट आप देते हो तो आपका अगर ऐसे भी होता है तो भी बाहर ही रहेगा, तो ओपन रहेगा. परफेक्ट. सो व्हाट इज द यूज ऑफ अ कैलेंडर? टू सी द डेट्स, राइट? आपको डेट अगर पढ़ने में नहीं आएगा तो आपका कैलेंडर का कोई फ़ायदा ही नहीं. तो अगर आपका कैलेंडर का ग्रेन डायरेक्शन ऐसा है तो आपका पेपर कर्ल होगा ऐसा. फिर भी आपको दिखाई देगा. मगर से फॉर एग्जांपल आपने ऐसा ग्रेन लिया तो आपका पेपर कर्ल होगा ऐसा, या बिगिनिंग स्टेजेस में एक आध महीने में आपका ऐसा हो जाएगा और फिर ऐसा होगा 2-3 महीने के बाद में. तो उसके लिए जो है कैलेंडर मैन्युफैक्चरर पीछे बैकिंग शीट देते हैं और अपन कैलेंडर लटकाने के टाइम पे इधर यू क्लिप लगा देते हैं टू अवॉइड इट फ्रॉम कर्लिंग अप. सो दिस इज अ बैड सिनेरियो ऑफ कर्ल अप. व्हेन द कर्ल अप हैपेंस लाइक दिस, दैट is an acceptable scenario of curl up, because curl तो होने ही वाला है, मगर अगर ऐसा curl होगा तो at least dates तो दिखेंगे. Clear on the calendar? So the what is the rule for the grain? Perpendicular to the wiro, the spiral, the patti, whatever it is, perpendicular to that. ठीक है, clear on this? Now general folders, 4-page, 6-page, जिसको ब्रोशर हम कहते हैं या फोल्डर कहते हैं, उसके अंदर भी ग्रेन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. ये देखिए,
ये आपका चार पेज का नॉर्मल फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर भी ग्रेन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू द स्पाइन, सेम एज द बुक. बुक का कवर 300 GSM पे था, अगर आप निकाल दो तो ये कवर हो गया बुक का. सेम रूल, पैरेलल टू द स्पाइन. व्हाई? बेंड्स इजी अलोंग द स्पाइन, इजियर टू ओपन, ये क्रैकिंग नहीं होगा. ये जो है दो सैंपल आपको है, मैंने दोनों हाथ से, ये क्रीजिंग भी नहीं किया हूँ, दोनों को हाथ से मोड़ा हूँ. आप देखेंगे जो गलत ग्रेन वाला है उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स डेवलप हुए, और जो करेक्ट ग्रेन वाला है उसके अंदर बहुत कम क्रैक्स डेवलप हुए. ये मैंने सिर्फ हाथ से मोड़ा हूँ. अगर आप क्रीजिंग करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्रैक होने के चांसेस है, इसके अंदर बहुत कम चांसेस है क्रैक होने के, स्पेशली अगर आपने प्रिंट कर दिया है, फुल पाटा है जॉब, उसके अंदर इमीडिएटली मालूम पड़ेंगे क्रैक्स. तो आप ये दोनों चीज़ को स्टडी करिए, एक जो है करेक्ट ग्रेन है और एक जो है गलत ग्रेन है. इसका आप नज़दीक से देखिए, गलत ग्रेन वाले में क्रैक्स कितने ज़्यादा दिखते हैं. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो करेक्ट ग्रेन वाले हैं उसके अंदर आपको क्रैक्स नहीं दिख रहे हैं. ये सिनेरियो बहुत लोगों ने देखा होगा कि आपका क्रीजिंग होने के बाद में जब आप एक जमा करते हो चार पेज के फोल्डर को, तो उसका जो स्पाइन है उसमें सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, बिकॉज आपका क्रैक होने को शुरू हो गया है. अगर आपका ग्रेन डायरेक्शन पैरेलल टू द स्पाइन होता तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं होता. दिस रूल रिमेन्स द सेम फॉर द सिक्स पेज अकॉर्डियन टाइप, वॉट एवर काइंड ऑफ ब्रोशर और फोल्डर इट मे बी, इट शुड ऑलवेज बी पैरेलल टू द स्पाइन. क्लियर ऑन दिस? शैल वी गो अहेड? विजिटिंग कार्ड्स. व्हाई आई एम सेइंग विजिटिंग कार्ड, वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग फॉर टैग्स. एनीथिंग विच इज स्मॉल एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क दिखता है. मेरे पास कुछ सैम्पल्स है और उसको मैं पास ऑन करूँगा. आप देखेंगे कि आपको जो गलत ग्रेन वाला है उसको हाथ में लेने को ही नहीं आपको अच्छा लगेगा वो विजिटिंग कार्ड को. जब आप किसी को आपका विजिटिंग कार्ड दोगे तो वो विजिटिंग कार्ड इतना लिम्प लगेगा, इतना बेंट लगेगा कि आपको आपके रिसीवर को पसंद ही नहीं आएगा. उसको लगेगा आपने क्या पेपर दे दिया है उसके हाथ में. सिंपल रूल, ग्रेन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कार्ड गिव्स मोर स्ट्रेंथ टू द कार्ड एंड फील्स बेटर व्हाइल्स होल्डिंग इट. सेम रूल फॉर योर टैग्स ऑल्सो. जो भी रेक्टेंगुलर छोटा है उसके लिए रूल सेम रहेगा. ग्रेन पैरेलल टू द लेंथ मतलब ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है. आप जब ये दोनों कार्ड हाथ में लोगे तब आपको इमीजिएटली मालूम पड़ जाएगा, मुझे आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ये आप देखेंगे एकदम लिम्प लगता है और ये स्ट्रेंथ लगता है. सी व्हेन आई एम गिविंग यू द कार्ड ओनली, आप देखें कैसा बेंड हो रहा है कार्ड, जब देने के टाइम पे ही बेंड हो रहा है कार्ड, और ये जब मैं कार्ड देता हूँ तो स्ट्रांग रहता है कार्ड. सेम थिंग फॉर टैग्स. इसमें मार्किंग नहीं किया गया है, आप खुद देख सकते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है. पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कार्ड, आपको महसूस हो रहा है कार्ड में कितना फर्क आ रहा है? तो रिसीवर को भी बहुत अजीब लगता है जब एकदम लिम्प कार्ड उसके हाथ में आता है. सेम रूल अप्लाइज फॉर टैग्स ऑल्सो. यू सी वेयर यू वॉन्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द टैग एंड यू थिंक अबाउट द ग्रेन इन दैट पर्टिकुलर वे. ठीक है, शैल वी गो अहेड? कॉरिगेटेड बॉक्सेस. अभी कॉरिगेटेड बॉक्सेस में स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक के ऊपर एक बॉक्स रखने वाले हैं.
यहाँ आपको मालूम पड़ रहा है कि ये फ्लूट है काटन का, तो आपका ग्रेन जो है शुड बी अगेंस्ट द फ्लूट, करेक्ट? योर ग्रेन हैज टू बी अगेंस्ट द फ्लूट. ये फ्लूट है काटन का और ये आपका ग्रेन डायरेक्शन, जो पेंसिल पड़ी है दैट शुड बी द ग्रेन डायरेक्शन ऑफ द कॉरिगेटेड बॉक्स, बिकॉज यू वॉन्ट टू पुट द बॉक्सेज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, यू वॉन्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑन द बॉक्सेज. तो यहाँ मेरे पास दो सैम्पल है कॉरिगेटेड बॉक्सेज के, एक में जो है आपके फ्लूट्स ऐसे हैं, ग्रेन ऐसा है, ये करेक्ट है. इसमें जो है फ्लूट्स ऐसे हैं और ग्रेन ऐसा है, ये रॉन्ग है, करेक्ट? आप इसको फॉर्म करिए और देखिए, फॉर्मिंग के टाइम पे ही ये ऑलरेडी यहाँ बेंड हो रहा है, इतना वीक है ये कार्टन, क्योंकि इसका डायरेक्शन इज अलोंग द फ्लूट्स, तो वो बेंड ही हो रहा है. और आप ये कार्टन अगर देखेंगे तो बहुत स्ट्रेंथ लगेगी जब आप इसको फॉर्म करोगे, बिकॉज इसका ग्रेन इज अगेंस्ट द फ्लूट्स. ठीक है, सो आई विल गिव इट अबाउट 5 मिनट्स फॉर यू टू रोटेट दीज सैंपल्स. आप जल्दी जल्दी दीजिए सबको. अब तक जितना भी हमने सीखा है उसमें कोई भी कंफ्यूजन है? जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आपको सिर्फ ये एक चीज याद रखनी है और वो है ये. जब आप ये याद करोगे और ये कॉन्सेप्ट फिर से लाओगे आपके दिमाग में, तब आपको ग्रेन डायरेक्शन बहुत सिंपल लगेगा. जिधर भी आपको बेंड आसान चाहिए उधर जो है आप अलोंग द ग्रेन लीजिए, जिधर आपको बेंड मुश्किल चाहिए वहाँ अक्रॉस द ग्रेन लीजिए. ठीक है, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर एवरीबडी टू सी दोज बॉक्सेस. सो आई विल कीप द बॉक्सेस ओवर हियर. आपका सेशन होने के बाद में आप फिर से आके देख सकते हैं बॉक्सेस को. सो लेट्स मूव अहेड, अभी बहुत कुछ बाकी है. हाँ जी, टॉप टू बॉटम है फ्लूट, फ्लूट का डायरेक्शन एंड ग्रेन का डायरेक्शन भी अगर आप सेम डायरेक्शन में रखते हो जी, तो इट विल, आई गेस इट विल गिव अ हाईएस्ट स्ट्रेंथ, बिकॉज आपको परपेंडिकुलर टू ग्रेन डायरेक्शन इट्स वे काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू फोल्ड इट, राइट? सो इट विल गिव द हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू कोरिलेटेड बॉक्स. नो नो नो, देखिए अगर आपका ये बॉक्स है, आपका फ्लूट आप कह रहे हो ऐसे है, राइट? आपका फ्लूट एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, आपका फ्लूट ऐसा है और आपका ग्रेन भी ऐसा है, right. तो कार्टन दब जाएगा. आपका ग्रेन डायरेक्शन हैज टू बी अगेंस्ट द फ्लूट इफ यू वांट स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल ऑफ द कार्टन. अभी ये कार्टन के अंदर जब आपको कार्टन हाथ में आएगा, तब उसको नजदीक से देखिए कि उसका फ्लूट कैसा है. जब आप देखेंगे, आप फ्लूट बदली कर सकते हो, आप फ्लूट ऐसा भी रख सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो फ्लूट को, मगर द ग्रेन हैज टू बी ऑपोजिट देन द फ्लूट फॉर इट टू हैव स्ट्रेंथ. नहीं, मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर फ्लूट ऐसा है एंड ग्रेन डायरेक्शन भी ऐसा है, तो ग्रेन डायरेक्शन इफ इट इज लाइक दिस देन इट विल बी डिफिकल्ट टू बेंड इट, राइट? एज इन इट्स इजी टू फोल्ड द पेपर टुवर्ड्स ग्रेन डायरेक्शन, पैरेलल टू ग्रेन डायरेक्शन, बट परपेंडिकुलर टू ग्रेन डायरेक्शन इफ यू आर फोल्डिंग इट इट्स डिफिकल्ट. बट यू आर नॉट फोल्डिंग द कार्टन, इट्स द वॉल ऑफ द कार्टन. सो दैट्स व्हाट इट मींस, इट गिव्स अ हायर स्ट्रेंथ टू द बॉक्स. It will give. अब एक्सपर्ट की जरूरत. हेलो, या योर क्वेश्चन इज, वेन एवर देर इज अ कोरोगेटेड बॉक्स वी आर यूजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द फ्लूट इज मेड. ओके, when there is a reel of the paper is going into the machine for converting into the flute, the same rule applies over here. Initially, very first slide you have shown the reel, this is the grain direction and this is the opposite direction. The same way paper moves in the fluting machine. Okay, fluting machine mein bhi paper aise hi move kar raha hai aur aise uske rib ban rahe hain. ओके, डायरेक्शन ग्रेन का ये है,
बट रिब ऐसे बन रहे हैं, फ्लूट ऐसे बन रहे हैं, फ्लूट में जो रिब्स रहते हैं वो ऐसे बन रहे हैं. ओके, तो ये स्ट्रेंथ जो ग्रेन की जगह है उसके ऑपोजिट साइड में डबल स्ट्रेंथ मिल रहा है क्योंकि फ्लूट की रिब्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं. अगर आपकी रिब्स जो है ऐसे हाँ, बनती होगी हाँ, तो आपका स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा, बिकॉज यू अलोंग द ग्रेन. आपका रिब्स ऐसी बन रही है इसीलिए आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है. और जब वो रिब्स को आप खड़ा रखोगे तो उसके ऊपर कंप्रेस स्ट्रेंथ बिल्ड होता है और वो स्ट्रेंथ ले सकता है. जब ऐसे नॉर्मल कार्टन्स की जब हम बात कर रहे हैं, इसका फंक्शन इज टोटली डिफरेंट देन दिस फंक्शन. कोरोगेटेड बॉक्स का काम है ऊपर से नीचे स्ट्रेंथ लेना, इसका काम है इजीली ओपन होके उसके अंदर पैक होके बंद करना. क्लियर? थैंक यू गुरुजी. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? ग्रेट, मेरा भी हो गया. हाँ जी, रिंग फ्लैप गुरुजी. रिंग एंड फ्लैप कार्टन आर मेड ऑफ टू पैनल्स. ओके, एक पूरा पैरेलल लंबा रहता है और दूसरे में हॉरिजॉन्टल रहता है. अभी अपना जो क्रीज आता है, अभी समझो ये डायरेक्शन में क्रीज है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन का ग्रेन होना चाहिए. सेम प्रिंसिपल अप्लाइज. रिंग एंड फ्लैप में फ़ायदा क्या होता है, जब फ्लैप अंदर जाके नीचे से बाहर आता है तो उसका स्ट्रेंथ डबल हो जाता है. तो ऊपर से भी वो स्ट्रेंथ देता है, साइड से भी स्ट्रेंथ देता है. सो नाउ वी कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन. अभी हमें जानना है कि ग्रेन डायरेक्शन को कैसा मापना है, कैसा मालूम पड़ेगा ग्रेन डायरेक्शन. मेरे पास बिगर लेबल का पेपर आया, मेरे पास एक थप्पी पेपर की पड़ी है, मेरे पास ये टुकड़ा है जिसके अंदर मुझे मालूम नहीं है कि ग्रेन डायरेक्शन क्या है. तो हम कैसा जानेंगे, हाउ टू डिटरमिन व्हाट द ग्रेन डायरेक्शन. सो बेंड वाज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई शोड यू ऑल. बेंड्स अलोंग द ग्रेन इजिली, बेंड्स अगेंस्ट द ग्रेन मोर डिफिकल्ट, राइट. देयर इज अनदर वे टू चेक द ग्रेन डायरेक्शन एंड दैट इज टू टेयर द पेपर. This is a photograph and this is a reality. It works the same way. ये jagged tear है और ये clean tear है. आप देख सकते हो कि यहाँ का जो tear है वो साफ है और यहाँ का जो tear है वो बहुत सारा rough है. तो grain direction ऐसा रहेगा. The paper tears easily along the grain. I have got another paper with me over here. You can try it in the break. You can try and tear it and you'll see कि along the grain आसान से tear होगा and across the grain मुश्किल से tear होगा. ठीक है? Okay, now what is the real way of test, the foolproof way. इसके अंदर जो है अगर आपका बहुत high quality का paper होगा तो दोनों तरफ से अच्छा tear होगा. Bending वाले में पतले paper में मालूम नहीं पड़ता है. So what is the foolproof way to check the grain direction? ये वो foolproof way and which is called wetting. Paper को हम गीला करेंगे और देखेंगे कि वो curl कैसा हो रहा है. और जब हमें मालूम पड़ा कि वो curl कैसा हो रहा है तब हमें determine करने को आसानी होगी कि grain क्या होगा उसका. तो उसके लिए जो है मैं request करूँगा कि जो लोग यहाँ नहीं देख सकते वो please आगे आ जाइए, खड़े होके आगे आ जाइए. और ये पंखा प्लीज बंद कर दीजिए. पहले हम थ्योरी में देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं और जिसे करना है वो भी हमारे साथ में कर सकता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज कि आप जो है पेपर के ऊपर लाइंस बनाइए. इन्होंने यहां ब्लू लाइन लगाई है, यहां ब्लैक लाइन लगाई है. ठीक है, याद रखने के लिए कि कौन से तरफ का था. दूसरा स्टेप यह है कि एक छोटा सा उसका कॉर्नर टेयर करिए. रेक्टेंगुलर टेयर करिए, नॉट स्क्वायर. अगेन यू विल हैव अ प्रॉब्लम कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन से साइड पे ग्रेन है अगर आपने स्क्वायर काटा. तो रेक्टेंगुलर टुकड़ा काटिए. फिर इस किस्म ये तो हर एक प्रेस में होगा, इसको गीला करना है पानी से और उसको लगा देना है पानी उसके ऊपर.
और थोड़े सेकंड के बाद में वो पेपर कर्ल होगा इस किस्म से. ये आप देख रहे हैं कि पेपर ऐसा कर्ल होगा. जो डायरेक्शन में उसने कर्ल लिया है एक टनल फॉर्म होगा. द ग्रेन फॉलोज द टनल. तो ये अगर टनल है, ग्रेन इस टनल के अंदर से जा रहा है. आप फिर से वो पेपर जोड़िए, आपको मालूम है कि ऐसा कर्ल हुआ था. दैट मीन्स आपका ग्रेन ऐसा है. दिस इज द सिंपलेस्ट एंड फुल प्रूफ वे टू मेजर टू चेक फॉर ग्रेन. सही है. हम ये चीज आपके सामने करेंगे और जिसको करना है वो भी कर सकता है. सो एक ये पेपर का टुकड़ा है, मुझे नहीं मालूम है कि इसका क्या ग्रेन है. मुझे सिर्फ ये मालूम है कि 90 GSM मैट पेपर. अब जो है मैं इसके अंदर लाइन डालूंगा सिर्फ इसके लिए कि ये जानने के लिए कि मैं टुकड़ा जब ज्वाइन करूंगा तो कैसा ज्वाइन होगा. अगर जिसको नहीं दिख रहा है वो नजदीक आके देखिए. अब जो है मैं इसका एक कोई भी कॉर्नर का रेक्टेंगुलर टुकड़ा निकालता हूं. अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात मैंने भूल गया बोलने के लिए, वो ये है कि जब आप इसको पानी लगाओगे तो आप गुटखा खाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, पानी पेशाब करने के लिए जाना मत. यू हैव टू वेट देयर बिकॉज वो इमीडिएट रिएक्शन होगा. हो सकता है वो रिएक्शन इतना इमीडिएट हो कि होने के बाद नॉर्मल भी हो जाए. आप समझे मेरी बात. तो अगर आप घूमने घामने के चले गए और वापस आए तो आप देखेंगे पेपर वैसे के वैसा ही पड़ा है. तो यू हैव टू वेट देयर एंड यू हैव टू सी द कर्ल हैपनिंग. So I've taken a tukda out, I've marked the lines, and now I'm going to take a wet sponge and I'm going to wet it. And aap dekhenge ki wo curl hoga. Aap dekhe, abhi ye jo hai luckily paper wapis baith nahi raha hai. Most of the papers wapis baith jayenge. To aapko usko nazar dekhna hai ki kidhar curl hua. Abhi ye bichara dekho gaya wapis. Sahi hai? But hua tha aisa, right? तो वेयर इज द ग्रेन इनसाइड द टनल. करेक्ट. व्हेन आई जॉइन दिस ओवर हियर आई नो दैट दिस इज द ग्रेन डायरेक्शन. एनीबडी गॉट अ रेड पेन? दिस इज द ग्रेन डायरेक्शन. करेक्ट. एक और बार करके देखिए, किसी को करना है, किसी को करना है, आइए. ठीक है, एक टुकड़ा काटिए पहले. रेक्टेंगुलर टुकड़ा काटेंगे. ओके, अब उसको आप बराबर से वेट करिए और छोड़ दीजिए उसको. हो गया. दिस इज द ग्रेन. मेरा जो पेन है वो ग्रेन है. सही है. अब मैं इसको फिर से जोड़ूंगा. यहाँ ये टनल बन गया, ये मेरा ग्रेन है. दैट मीन्स ग्रेन डायरेक्शन इज लाइक दिस. करेक्ट. एवरीबडी इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, हाउ टू चेक फॉर ग्रेन. फुल प्रूफ वे ऑफ चेकिंग फॉर ग्रेन. यू कांट गो रॉन्ग विद दिस. एवरी पेपर इज गोइंग टू बेंड. कोई पेपर को टाइम लगेगा बेंड होने को, कोई पेपर बहुत जल्दी बेंड हो जाएगा, कोई पेपर बहुत कम बेंड होगा, बट बेंड तो होगा ही. ना, हर एक पेपर बेंड होगा. हर एक पेपर बेंड होगा. एवरी सिंगल, आपका बोर्ड भी बेंड होगा. टाइम लगेगा उसको, मगर बेंड जरूर होगा. ये 130 GSM, इसको करके देखते हैं. हर एक पेपर बेंड होगा, बट बोर्ड में आपको इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज आप जब बेंड करोगे तभी मालूम पड़ जाएगा. Right? So match it again. This is the grain. ठीक है, ये concept clear हो गया? So, जी. हाँ, ठीक है. अब उल्टी साइड लगा के देखते हैं. वो भी करके देखते हैं. ठीक है, अभी मैं पेपर जो है ऐसी बाजी लगाऊंगा.
कर्ल तो वैसा ही होगा, आप पैसा पानी कैसा भी लगाओ. और ज़रूरी नहीं है कि आप ये वापरो, आपके पास वो बाल काटने का वो स्प्रे आता है, वो स्प्रे भी मारोगे तो भी चलेगा. करेक्ट, द पेपर विल कर्ल व्हेन यू वेट इट, द पेपर विल कर्ल. क्लियर ऑन दैट? एवरीबडी ओके विद दिस? सो लेट्स गो बैक टू व्हाट ऑल वी हैव लर्न. हर एक पेपर को ग्रेन डायरेक्शन है. कोई अगर पेपर वाला आपको कहता है कि मैपलीतो में ग्रेन नहीं है, क्रोमो पेपर में ग्रेन नहीं है, तो वो गलत कह रहा है, वो झूठ कह रहा है, उसको मालूम नहीं है. आप ये करके प्रूव कर सकते हैं कि पेपर के ऊपर ग्रेन है. हर एक पेपर, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई पेपर ऐसा बनाए जिसमें ग्रेन डायरेक्शन नहीं हो. ग्रेन डायरेक्शन इफेक्ट्स द वे यू प्रिंट एज वेल एज बाइंड एंड फिनिश द जॉब. तो आप सारे ऑपरेशन, सिर्फ प्रिंटिंग ही नहीं, बाइंडिंग है और उसको बुक बनाना है या कार्टन बनाना है या लीफलेट फोल्ड करना है, ग्रेन डायरेक्शन इफेक्ट्स ऑल दोज ऑपरेशंस. द ग्रेन डायरेक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच स्टेज माइट बी डिफरेंट. तो फोल्डिंग में आपको अलग ग्रेन डायरेक्शन की जरूरत हो, बुक बनाने में अलग डायरेक्शन की जरूरत हो, और प्रिंटिंग में आपको अलग डायरेक्शन की जरूरत हो. आपको चूज करना है कौन सा सबसे जरूरी है. ज्यादातर जो लास्ट स्टेज होता है वो सबसे जरूरी होता है. जैसा कार्टन लास्ट स्टेज है, उसका ग्रेन डायरेक्शन मैं देखूंगा, मुझे प्रिंटिंग का नहीं देखूंगा पहले. फिर अगर मैं मैच कर सकूं एंड आई कैन गेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कार्टन एज वेल एज द पेपर सेम, लवली, आई मीन द प्रिंटिंग सेम एंड द कार्टन फॉर्मेशन सेम, सोने पे सुहागा. मगर पहले चीज मैं एंड का देखूंगा, राइट? एंड लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंटली, जब आपको डाउट हो कि कुछ गलत हो रहा है, आप एक डमी बना लो. डमी बना के चेक करो कि कौन सा ग्रेन डायरेक्शन वाला सैंपल अच्छा लगता है. सही है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे पेपर डीलर्स को, सेलर्स को नहीं मालूम है ग्रेन डायरेक्शन कितना अहमियत रखता है. आपको डिमांड करना है. जब आप डिमांड करने को लगोगे, तब पेपर वाला जो है वो अलग रखेगा. बिकॉज मिल से जो माल आ रहा है उसको, उसके ऊपर भी लेबल है. मैंने आपको लेबल का फोटो दिखाया था, पर उसको मालूम नहीं है क्या ज़रूरत है. आप मांग नहीं रहे हो, इसीलिए वो सब मिक्स एक थप्पी लगा रहा है. और जब आपका फ़ोन जाता है और आप कहते हो कि भाई मुझे 10 पैकेट चाहिए 28-40, नॉट 40-28, तब बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है. क्योंकि वो इतना मेहनत नहीं करेगा उसका 10 पैकेट निकालने का. मगर अगर आप उसको कहेंगे कि हर बार मैं ऐसा ही मांगूंगा, जब 28-40 बोलूंगा तो 40 पे ही ग्रेन होना मांगता है, जब 36-23 बोलूंगा तो 23 पे ही ग्रेन होना चाहिए. तो जब माल उसका मिल से आएगा तो वो अलग अलग थप्पी रखेगा. अगर वो अलग अलग थप्पी रखेगा तो उसको देने में आपको तकलीफ नहीं होगी. सही है? ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम करते हैं हमारी प्रेस में, और आप सब लोग को भी करना चाहिए. आपने देखा ये पानी लगने से पेपर को क्या होता है. तो ये फिजिकली मैंने पानी लगाया हूँ पेपर को, मगर अपने हवा में भी पानी है जिसको मॉइस्चर कहते हैं. करेक्ट? तो रेनी सीजन में आप देखेंगे पेपर के अंदर चुन आता है, या पेपर बेंड हो जाता है, या कभी पेपर आपने हाथ में लिया तो एकदम लिम्प फील होता है. सो द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज प्लेइंग अ रोल इन द पेपर, हाउ इट बिहेव्स. सो सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि हमारा पूरा प्रेस, इंक्लूडिंग वेयर हाउस जिधर हम पेपर रखते हैं, वो सब एयर कंडीशन हो, वो सब ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड हो. बट ऐसा हो नहीं सकता है. जिधर आप पेपर स्टॉक करते हो वहाँ तो आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एसी कंट्रोल नहीं कर सकते हो. तो जहाँ जहाँ कंट्रोल नहीं है वहाँ वहाँ आपको पेपर को रैप करके रखना है. इसीलिए जब पेपर मिल से आता है तो आजकल आप देखेंगे पैकेट श्रिंक रैप आता है, बराबर, उसके ऊपर एक जाड़ा प्लास्टिक का फिल्म रहता है. एक ज़माने में गोनी में आता था, इफ़ यू रिमेंबर, कंतान में आता था. दैट कंतान वॉज अ वेरी गुड अट्रैक्टर ऑफ मॉइस्चर. वो पूरा मॉइस्चर अपने कंतान में रख के पेपर को दे देता था. बट हमें मालूम नहीं था तो हम एक्सेप्ट करते थे. वो कंतान के अंदर बहुत सारा डस्ट भी होता था. बट आजकल वो सब खत्म हो गया है. ज़्यादातर प्लास्टिक का कंतान आता है या स्ट्रेच फिल्म रैप आता है या श्रिंक रैप आता है. क्यों? क्योंकि हमें बचाना है पेपर को मॉइस्चर से. दिस इज़ नॉट रियली गॉट टू डू विद ग्रेन डायरेक्शन, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो. तो जहाँ जहाँ आपका पेपर नॉन एसी एरिया में रह रहा है या एक एसी एरिया से दूसरी एसी एरिया में जा रहा है
और उसके बीच में उसको टाइम लगने वाला है रिएक्ट होने के लिए, वहाँ आपको पूरा के पूरा पैलेट को स्ट्रेच फिल्म रैप करना चाहिए. आई डोंट नो वेदर दिस फोटोग्राफ इज मेकिंग सेंस, बट इफ़ यू सी देयर हैज बीन अ प्लास्टिक फिल्म विच हैज बीन रैप्ड ऑन दिस एंटायर पैलेट, और ये करने के वजह से मॉइस्चर इफेक्ट नहीं होएगा, पेपर स्ट्रेच नहीं होगा, पेपर बेंड नहीं होगा, पेपर लिंप नहीं बिहेव होगा, बिकॉज एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जितना पेपर ओरिजिनल हालत में रहेगा उतना अच्छा चलेगा मशीनों में. सही. जी तो जो होता है वो ग्रेन डायरेक्शन के साइड होएगा या ऑपोजिट, वो कुछ समझेगा? यस yes. ग्रेन डायरेक्शन के तरफ ज्यादा, ग्रेन के अगेंस्ट कम. जब एक्सपैंड होता है पेपर तो ग्रेन डायरेक्शन की तरफ ज्यादा, बट दोनों बाजू होगा. सो योर प्रॉब्लम इज देयर, एक्सपेंशन का प्रॉब्लम तो है ही. जी रिगार्डिंग शेल्फ लाइफ ऑफ पेपर और शेल्फ लाइफ ऑफ बोर्ड, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट कैन बी द शेल्फ लाइफ ऑफ पेपर और बोर्ड? Okay. If it is kept in stretch film, it is kept in AC. It is a. It is so I've got 5 minutes to end. It's 5 to 5. Let's see if there are any questions to green direction. नहीं होगा तो हम definitely आपको answer देंगे, और नहीं भी हुआ तो हम चाय के time पे आपको जरूर answer देंगे. जी बोलिए. Green direction के आधारित कोई question है? सर मैं एक दूसरे level पे लेके जा रहा हूँ. जी. उसका reason है we print PVC gumming. Now PVC gumming में एक PVC substrate हो गया, एक आपका सिलिकॉन हो गया, जो सिलिकॉन आपका पेपर का हो जाता है. आई वॉन्ट टू नो द डायरेक्शन, करेक्ट मी वेरी आई एम रॉन्ग, द डायरेक्शन ऑफ द सिलिकॉन विल अफेक्ट द पीवीसी, बिकॉज वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, इट बिकम्स कर्ल, यू नो, व्हेन वी हैव प्री गम्ड पीवीसी गमिंग शीट्स टू बी प्रिंटेड ऑन यूवी शीट्स. एक पर्टिकुलर लॉट आता है जिसमें वो कर्लिंग नहीं होता है, और एक पर्टिकुलर लॉट में एकदम कर्लिंग परफेक्ट कर्लिंग नहीं होता है, एक में बहुत होता है. तो व्हाट इज द रीजन? आई वांट टू नो, इज इट बिकॉज़ ऑफ सबस्ट्रेट है वो पीवीसी है, करेक्ट ना? yeah. आपका आपका सबस्ट्रेट पीवीसी है और उसके नीचे गम है, उसके नीचे सिलिकॉन है, करेक्ट? yes. yes. और ये आपको सप्लाई होके आता है कि आप yes. खुद करते हो सारा? सप्लाई होके आता है. देखो पीवीसी में ग्रेन डायरेक्शन नहीं है, उतना तो क्लियर है. सिलिकॉन yeah. में जहां तक मुझे नॉलेज है ग्रेन डायरेक्शन डजंट प्ले अ रोल. ओके. प्लेज अ रोल. ओके. तो फिर वो बेंडेबिलिटी कभी एक तरीके में ऐसा आ जाता है यू शेप में, कभी फिर ऐसा आता है, तो हाउ डू वी और व्हाट डू आई टेल द सप्लायर व्हाट टू गो अबाउट, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट. सी इन सच केस यू शुड नो व्हाट इज द ग्रेन डायरेक्शन ऑफ द रिलीज पेपर हैज बीन यूज. ओके. एंड यू आर यूजिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग हॉटमेल एडेसिव, हाउ मेनी जी एस एम? पी वी सी इज अराउंड 60-70 एंड सिलिकॉन इज अराउंड 70 ओनली अगेन अप्रॉक्सिमेटली. आपका गम का जीएसएम, गम का जीएसएम कितना होता है? 12 माइक्रोन के बीच में अप्रॉक्सिमेटली होना चाहिए. सो 16 माइक्रोन बिकम्स हाउ मेनी जीएसएम? अप्रॉक्सिमेटली 16 टू 20. सो द जीएसएम ऑफ पेपर एंड सिलिकॉन पेपर एंड एडेसिव इज मोर देन योर पीवीसी. ओके. सिलिकॉन ऑलवेज हैज अ ग्रेन and this adhesive add to that gray, that weight of the silicon, so that is going to, that is playing the role, not the PVC. So if you want to get gumming, pre-gumming from some vendor, and if it is a bigger lot, you should insist him to use proper green direction silicon, because the hot melt adhesive plays a major role in this case. Ek round of taali mere guruji ke liye bhi. जी और कोई क्वेश्चंस? यस. सो यू सेड दैट पेपर वी नीड टू टेक ग्रीन डायरेक्शन व्हाइल प्रिंटिंग एंड व्हाइल पेस्टिंग नीड्स टू बी पैरेलल टू द पेस्टिंग पैनल, राइट? हां, परपेंडिकुलर. हिंदी में बोलिए. अच्छा. सो पेस्टिंग के लिए ग्रीन डायरेक्शन शुड बी ग्रीन डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए पेस्टिंग पैनल से. प्रोडक्ट कौन सा है? मोनोकार्टन. ओके. सो लेट्स गो इनटू द मोनोकार्टन. ये लीजिए, मोनोकार्टन में ये ग्रेन होना चाहिए. Correct. Okay. Perpendicular to the pasting panel. Perpendicular to the creases. To the crease. Creases. Reading should be always parallel the grain. Okay. अभी ये आपका क्रीज है. हाँ. ये आपका ग्रेन. Perpendicular. This is the actually we sub grain direction बोल रहे, but more technically देखेंगे तो it is a fiber direction. Carton जब fold होता है, तो those fibers
help the crease to play as a inches. दरवाजे में जो लगता है इंचेस, इट फंक्शन इज ऑफ द फाइबर इज एज अ इंचेस, ओके, इट हेल्प्स टू ओपन एंड क्लोज, ओके, एंड नाउ वी हैव टू डू पेस्ट फॉर प्रिंटिंग ऑल्सो दस यू नीड टू लुक इन टू ग्रेन डायरेक्शन. सो देन विच कम्स अप, आई मीन विच इज द मोर प्रायोरिटाइज ग्रेन डायरेक्शन वी शुड फॉलो दिस, नो आई शोड यू दिस राइट, सी आई शो यू दिस वंस अगेन, ओके. सो इन दिस केस आपने ये स्लाइड देखा था, आई थिंक सॉरी आई मस्ट हैव मिस्ड इट. सो ये स्लाइड में बता रहा है कि कार्टून का ग्रेन डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए मगर प्रिंट का ग्रेन डायरेक्शन ऐसा चाहिए, करेक्ट. सो द सेम कार्टून कैन बी लेड आउट इन अ डिफरेंट वे, इसका लेआउट हम बदली कर सकते हैं जिधर प्रिंट डायरेक्शन भी करेक्ट हो और ग्रेन डायरेक्शन भी करेक्ट हो. देखिए ये केस के अंदर सेम 6 अप्स है बट कार्टून का लेआउट हमने ऐसा किया है, देखा आपने, कार्टून का लेआउट ऐसा किया है, ग्रेन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कार्टून इज ऑल्सो करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट देयर विल बी पेपर वेस्टेज, बट देयर विल बी पेपर वेस्टेज. सो यू नीड टू टेक अ डिसीजन, इफ इट्स अ 450 GSM कार्टून एंड यू आर रनिंग एट 15,000 स्पीड एंड इट्स 1 lakh शीट्स, देन मे बी यू वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज देन यू कैन रन योर मशीन मच फास्टर. तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, बट कार्टून का आप ग्रेन डायरेक्शन नहीं हटा सकते बिकॉज आपका कार्टून खुलेगा ही नहीं. थैंक यू, क्लियर. सो आपका क्वेश्चन ये था कि शेल्फ लाइफ ऑफ पेपर, व्हाट वाज द क्वेश्चन, आई जस्ट रिपीट, हाँ क्या करना है शेल्फ लाइफ के ऊपर से, हाँ हाँ जी, द सर्टिफिकेट दैट आई हैव फ्रॉम ITC वो भी 6 months कहता है, टू ईयर्स इन अ सील्ड हालत, बट मैंने देखा हूँ कि 2 साल के अंदर भी पेपर पीला पड़ सकता है. तो अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो साइंटिफिक स्टडी विच हैज़ हैपन्ड कि वो पेपर को हम वैसा ही पैकेट में रखते हैं और उसके पैरामीटर्स कैसे बदली हो रहे हैं, उसका पीला हो रहा है पेपर या उसका स्ट्रेंथ लूज हो रहा है या उसका मॉइस्चर चले जा रहा है, ये चीज़ का कोई स्टडी नहीं है. बट हर एक मिल अपना अपना अनुमान से बताती है, ITC कहती है 6 months इन अ ओपन हालत एंड 2 years इन अ क्लोज हालत, बट आई डोंट बिलीव दैट. इनके बात के ऊपर ऐड करने के लिए इन इंडिया पर्टिकुलरली मुंबई इन ऑल द सीजन वी हैव डिफरेंट टेम्परेचर, ओके, बेसिक फंडामेंट ऑफ द बोर्ड in storage condition it always discharges the moisture, okay. abhi jab hi temperature kam rahega tabhi temperature zyada rahega, moisture discharge bhi karta hai, moisture absorb bhi karta hai, to ye sab conditions ki wajah se shelf life kam hoti hai aur board dheere dheere thoda peela padna shuru hota hai. If you have temperature controlled warehouse where the humidity and everything is controlled, then you will get the proper shelf life as Mill says. Otherwise, no. And it is very difficult in this competitive market to have such expensive warehouse. So, any other questions then? Shall we wrap up and have some tea in this sense? So, whoever has taken the samples with you, please return them back on this table. And if you want to see the samples once again, they're all lying over here. I'm here for another half an hour. So if anybody wants any personal question, aapko puchna hai grade direction ko, aapko nahi samajh aaya to aap se pooch sakte hain. Before everybody goes. I would request Kuldeep ji, please come over here. And Mr. Fahim has given us such a wonderful presentation in Gyan on grain direction for different substrate. I request Kuldeep ji to honor him with the bouquet, please. ग्रेन डायरेक्शन से प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है,
like registration especially.